नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ नेहा पंत। और बड़ी बहस में एक ऐसा खुलासा जो कि पुणे की पुलिस ने किया, अदालत के भीतर एक चिट्ठी का हवाला दिया गया जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा जो पुणे पुलिस ने किया। 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया भीमा कोरेगांव की हिंसा में, जिनमें से एक के पास से ये खत मिलने की का जो है ये खुलासा किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जो साजिश की बात की जा रही है, इस पर भी जमकर सियासत क्यों हो रही है। लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के बीच पहुंचने वाले प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान बनाया गया। प्रधानमंत्री के रोड शो को टारगेट करके जानलेवा हमले की फिराक में जुटे हैं देशद्रोही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश पर सियासत होती है। मोदी जी के खुद के केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार लोगों की वकालत करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ अन्याय कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। जब उसी एल्गार परिषद को हिंसा का दोषी नहीं बताते और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार उनको गंभीर माओवादी बताती है, तो अपने आप में विरोधाभास तो सरकार में स्पष्ट है। सच्चाई क्या है? क्या कोई प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हम सबको चिंता होनी चाहिए, या फिर महाराष्ट्र की सरकार मनगढ़ंत कहानियां बना रही है? नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी अक्सर जब उनकी लोकप्रियता घटती थी और जब लोग उनके खिलाफ हो जाते थे, तब इस तरह के सिगुफे छोड़े जाते थे जांच एजेंसियों के माध्यम से। अभी आप देख रहे हैं कि उपचुनावों में बीजेपी बुरी तरह हारी और ओवरऑल लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। तो ऐसे गुस्सा को शांत करने के लिए कहीं जांच एजेंसियों ने जानबूझ करके एक पकी पकाई हुई खबर तो लोगों के बीच नहीं डाली है, ये एक सवाल है। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई दलित और मराठा के बीच हुई हिंसा की जांच के दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का सुराग मिला। दिल्ली में एक आरोपी रोना विल्सन के घर पर छापेमारी के दौरान ये चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी को 18 अप्रैल 2017 को लिखा गया, जिसमें कॉमरेड प्रकाश को संबोधित करते हुए कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी एक फांसीवादी हिंदूवादी नेता है। भले ही वो बिहार और पश्चिम बंगाल में सरकार न बना पाए, लेकिन देश के 15 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। अगर वो इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो सभी पार्टियों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में हमें मोदी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन नक्सलियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश पर विरोधी सवाल उठाने लगते हैं। आई डू नॉट नो वेदर दिस लेटर्स आर ऑथेंटिक, व्हाई दे आर बीन ब्रॉट टू पब्लिक डोमेन इंस्टेड ऑफ प्रोबिंग द मैटर with all seriousness, it is for the police and government to explain. Now they have arrested 5 activists. I do not know how they can link them with Maoists or Naxalite activities. इसीलिए अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ नक्सलियों का सहारा ले रहे हैं। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा, दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल एनडीए के विरोध को एक हथियार के रूप में देखते हैं। माओवादी हिंसा के माध्यम से केवल सरकार ही नहीं बल्कि संवैधानिक प्रणाली को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते हैं। आतंकवाद और चरमपंथ के इतिहास से जुड़ा एक बुनियादी तथ्य हमें बताता है, कभी भी बाघ की सवारी नहीं करो, आप पहला शिकार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश में सामने आई चिट्ठी में यह भी खुलासा हुआ कि नक्सली राजीव गांधी हत्याकांड जैसा प्लान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बना रहे हैं। कॉमरेड किसान और कुछ दूसरे सीनियर कॉमरेड्स ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं, यह आत्मघाती जैसा मालूम होता है। इसकी भी अधिक संभावना है कि हम असफल हो जाएं, लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में निशाना बनाना एक असरदार रणनीति हो सकती है। जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में
मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए, इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है और ऐसी कई चीजें इसमें सामने आई है। पुलिस ये सारी चीजों को जब्त कर चुकी है, ये चीजें न्यायालय के सामने भी जाएगी, सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके और लिंक्स है, उन लिंक्स को भी ढूंढने का काम चल रहा है। अगर पुलिस दलितों को नक्सल घोषित करेगी और नक्सलों का ये काम है कहेगी, तो हमें लगता है ये बहुत घातक काम महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि गढ़ी हुई कहानी पे महाराष्ट्र की पुलिस खेल रही है, और मनगढ़ंत कहानी पे अगर पुलिस खेलेगी तो हमें लगता है ये न महाराष्ट्र के लिए ठीक है न देश के लिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ और साथी इतने गंभीर और इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हमारे जब सुरक्षा बल थे और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का सफाया किया था, खात्मा किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो इसलिए इनकी इस तरह की चीजें कोई नई नहीं है। के दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ कोरेगांव में, और दलित नाराज हैं, और पूरे देश में नाराजगी है दलितों के प्रति। तो दलितों के मन में भाजपा शासन और प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके फडणवीस साहब और लोग हैं, तो कहीं ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन तो ये बात नहीं कर गई है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज की बहस में उठेंगे सवाल, क्या प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पर भी सियासत होगी? क्यों विपक्ष को लगता है कि पीएम की हत्या की साजिश एक प्रोपेगेंडा है? विपक्ष को धमकी मिले तो देश में खतरा, पीएम के खिलाफ साजिश लोकतंत्र को खतरा क्यों नहीं? प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश को दलितों की सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं विरोधी? और किसी देश की प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जांच होनी चाहिए या फिर सियासत? तो देखिए, बात देश के प्रधानमंत्री की है, और देश के प्रधानमंत्री की बात पर भी अगर सियासत हो तो फिर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीति को हम किस स्तर पर ले जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है जिन्हें आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे जिसके पास में जाऊंगी उनसे आपका परिचय कराती रहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आधिकारिक प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद है। आलोक जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं ऐसा कहा जाता है। जब वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, तो ये हत्या की साजिश की जो खबरें आ रही हैं उन पर राजनीति क्यों हो रही है? मतलब राजनीति को हम इस स्तर तक भी ले आएंगे, इतना नीचे भी गिरा देंगे? नेहा जी, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, लेकिन आज राजनीति कौन कर रहा है? इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पार्टी ने की? किस पार्टी ने उस चिट्ठी को सबसे पहले सार्वजनिक किया जिसमें अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज़ पर कह रहे थे कि उसके अंदर हत्या की साजिश का प्लान था? जिस हत्या की साजिश का, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का प्लान था, और वो प्लान आप सार्वजनिक गले कूचे में उसको फेंक रहे हैं, तो किसने किया? रामदास अठावले जो केंद्र में मंत्री हैं, वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये नक्सलाइट नहीं है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी और आज भी वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है? इस तरह की खबरों का इतिहास, प्रोपेगेंडा और सिंपैथी की बात क्यों कर रहे हैं आप? अगर देखिए, प्रधानमंत्री सबके हैं, तो एक नागरिक होने के नाते आलोक जी आप भी जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं या नहीं है। अगर पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन आ भी गई तो उस पर इतने सवाल क्यों, सीधे क्यों नहीं कहा गया कि जांच कराइए? देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के साथ साथ जो इतिहास है वो भी कुछ कह रहा है। गुजरात के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर पाकिस्तान का हाथ है गुजरात के चुनाव को हरवाने के लिए। आरटीआई लगाई गई, पीएमओ में तो कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, पीएम साहब बताएं। 9 बार इस तरह की घटनाएं हुई है, 9 बार इस तरह की घटनाएं हुई है, इस बार कैसे विश्वास कर ले प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, इसीलिए हो रही है सियासत? कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां, इन सब के नक्सलाइट से संबंध है, और गुजरात इलेक्शन के समय में जो ये ग्रुप था पूरा, जिग्नेश मेवानी वगैरह, वो कांग्रेस के साथ था। तो ये, लेकिन दुख की बात ये है कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि हत्या की साजिश में भी सियासत की जाने लगेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। सियासत कर कौन रहा है? सियासत भाजपा कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि माओवादियों के साथ संबंध है कांग्रेस के। मैं समझता हूं कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, सबको जाके अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? दलित आंदोलन को जिस तरह से आज ऐसा 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 है, ठीक सर, एक बार जवाब लीजिए, ऐसा है कि जिनके नाम है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, किया भी गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि पीएफआई एसडीपीआई से किसने वहां पर सारा समर्थन लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस तरीके की घटनाएं पहले हो चुकी हैं भारतीय राजनीति में? अगर हो चुकी हैं तो आज, और राहुल गांधी का अगर हवाई जहाज में अगर कोई टेक्निकल हो तो वो साजिश हो जाती है।
वो साजिश हो जाती है, एफआईआर हो जाती है इमीडिएट। और प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना देवाशीष जरारिया साहब, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। पीएम के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है, क्या ये मामला गंभीर नहीं है? बगैर जांच के क्या इसको सिंपथी बताना या तमाम तरह की बातें करना सही है? बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा मसला है कि आरटीआई भी डालोगे तो जवाब आ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इस पर हम जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन इतना गंभीर मसला जिसमें हम लोग दो दो प्रधानमंत्री पहले भी खो चुके अपने देश के, उसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय पर इतना बड़ा खतरा होने के बाद उसको सार्वजनिक कर देना, क्या ये तर्कसंगत है क्या? और एक चीज और, सार्वजनिक किया वो कह रहे हैं क्या ये तर्क? फिर आऊंगी सर आपके साथ जल्दी से, एक प्रतिक्रिया में ले रही हूँ प्रदीप सिंह जी, ये क्यों सार्वजनिक क्यों किया गया? अगर इतना बड़ा खतरा है तो ये जनता के बीच क्यों आ गया? नहीं, जनता के बीच क्यों आ गया इसका जवाब तो पुलिस और सरकार दे। लेकिन देखिए, राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा या किसी भी बड़े नेता की, आम जनता की भी सुरक्षा की चिंता सबको होनी चाहिए। ये किसी दल का मामला नहीं है कि सुरक्षा का मामला किसी एक दल विशेष का है, एक बात। दूसरी बात, जो राजनीति की बात होती है वो जब दलित को ले आते हैं आप, अपराध का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें जब दलित एंगल आप लाते हैं तब वो लगता है कि ये राजनीति हो रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं रिफत जावेद साहब। यहाँ पर सवाल ये है कि प्रोपोगंडा कहना, सिंपथी कहना, या फिर ये कहना कि पहले भी ऐसा होता रहा है, इस बार भी ये कर दिया होगा, हो सकता है बीजेपी का हाथ हो, क्या प्रधानमंत्री के स्तर पर बगैर जाँच से पहले इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? देखिए, आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ये आया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, 2009 से लेकर अभी तक कम से कम 11 मर्तबा इस तरह की खबरें आई हैं, 11 मर्तबा। इस मर्तबा जो आई है चीज़ें, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लाइफ को अगर इंडेंजर किया जा रहा है तो उसको मजाक के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस अगर ये चीज़ें जिस तरह से लेटर को लीक किया गया है, जिस तरह के मीडिया आउटलेट के जरिए लीक किया गया है, उनकी जो सिंपथी रही है, तो आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि लोग इसको सीरियसली लें। और आप एक ऐसे जब से कर्नाटका इलेक्शन हुआ, ये दूसरी मर्तबा ये इस तरह की खबरें आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है। विनोद बंसल साहब, जो लग रहा है वो ये कि आप खुद ही नहीं चाहते कि इस बात को सीरियसली लिया जाए, इसे सार्वजनिक क्यों किया गया? ये इतना बड़ा मामला है तो इसकी जांच हो और सच सामने आए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, हमने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी घटना कोई सामने आई है तो उसकी जांच होने के लिए पूरे देश को एक होना चाहिए, चाहे किसी अक्रॉस द पार्टी लाइन में एक। सभी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं सार्वजनिक क्यों कर दिया? लेकिन सार्वजनिक कर दिया वो तो सरकार का काम है कि सार्वजनिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देश हित में सरकार का काम इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं देखिए, ये प्रेरोगेटिव सरकार का, कोई विपक्ष का नहीं है, किस चीज को सार्वजनिक करे किस चीज को नहीं। एक मैं जल्दी से प्रतिक्रिया प्रोफेसर कपिल कुमार आपसे लेना चाहूंगी, कहा जा रहा है सार्वजनिक क्यों किया? सार्वजनिक करना इसलिए जरूरी है कि आज इस देश की सुरक्षा के अंदर जब पुलिस कहती है कि आप जिसको मकान किराए पे देते हैं उसको जांच करिए कौन है, जहां ये नक्सलवादी और जहां ये बर्बादी वाले जाकर के और ISI के एजेंट अगर जाके रहते हैं तो पब्लिक को सावधान करना बहुत जरूरी है। अरे अरोक जी सुनिए, आप चुप रहिए, आप सुनने का आराम से उनके पास माइक नहीं, आप अपनी बात जी है सुनिए। पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि जिस देश में, देखिए ये तो वो लोग हैं जो इनकी पार्टी का आदमी मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में ये कहता है कि प्रधानमंत्री को हटाने में हमारी मदद करो, वो पाकिस्तान मदद करेगा। एबीपी न्यूज पर आज की बहस आप देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के खिलाफ सियासत क्यों, उस पर भी सियासत क्यों हो रही है। मेरे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब मेरे साथ हैं। ये विपक्ष को इस खबर पे भी सियासत क्यों सूझ रही है, प्रोपेगेंडा क्यों दिख रहा है, सवाल ये उठ रहा है। किसी को नहीं सूझ रही, इस देश में कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन या आम नागरिक की हत्या की राजनीति को सपोर्ट नहीं करता। प्रश्न ये उठता है कि रामदास अठावले भारत सरकार के मंत्री हैं, वो इस मेरी सरकार हैं, वो खुद कहते हैं कि ये एक्टिविस्ट को माओवादी कह के गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। बता दूं आपको, आठवाले ने बयान अब बदल लिया है, उन्होंने कहा है कि ये साजिश है। अब वो वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी और सरकार बोल रही है, इसलिए कि उनको फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ता ना, वो कल वो कुछ थे आज कुछ थे, उससे क्लियर है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि एहतियात और चौकसी से ज़्यादा प्रचार है। प्रॉब्लम ये है बीजेपी की कि इनको अब गन्ना दिख गया, गन्ना से घबरा गए ये,
2009 से अब तक 11-12 बार ऐसी इनकी हत्या की साजिश है। हम तो कहते हैं कि जिसने ये साजिश की उसको गिरफ्तार करो। प्रश्न ये उठता है कि दलितों की और किसानों के आंदोलन से ये घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 1.5 लाख बेरोजगार, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती आप नक्सलियों को दलित कैसे बता सकते हैं? मतलब जांच हो जाने दीजिए ना, उससे पहले प्रोपोगंडा सिंपथी वेव बताना क्या ये सही है? लेकिन जितेंद्र खुराना जी, जहाँ तक नक्सलियों की बात है तो जो छत्तीसगढ़ की और झारखंड की चीफ मिनिस्टर इनके बता दें कि नक्सलियों को कौन यूज करता है। जितेंद्र खुराना जी बताइए। मैं इसमें एक बात मेरा स्ट्राइक करा है कि लेटर में उनका राजीव गांधी टाइप असैसिनेशन। देखिए मैं एक श्रीलंकन वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने कई रिसर्च है इसके ऊपर कि जो LTT जो मूवमेंट था वो एक चर्च फंडेड मूवमेंट था और जो धनु जिसने राजीव गांधी को असैसिनेट किया शी वॉज अ क्रिश्चन, वो एक ईसाई आतंकवादी थी LTT की। अब इसमें जो 5 लोग पकड़े गए हैं उसमें रोना विल्सन जैकम है जो नाम तो ईसाई लग रहा है। अब ये नेक्सलेट के साथ चर्च फंडेड कितना इसमें, क्योंकि चर्च में कई बार पादरियों के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सवाल ये उठ रहा है कि सार्वजनिक क्यों किया गया? एक मिनट आनंद जी, ये क्या है? देखिए मुझे करके सर सबको बोलने का मौका देते हैं ना। देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, इस पर किसी को कोई ये नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री का मामला है। लेकिन क्या इसमें भी ये बात जरूर उठ रही है कि नंबर एक बात तो कि आज की जो हाईटेक टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उसमें क्या इस तरह से चिट्ठी पत्री लिख के इस तरह से बात की जाती है कि एक प्रधानमंत्री को मारना है और इस तरह से कंप्यूटर में उसको लिखा जाएगा, सब किया जाएगा, नंबर ये बड़ा एक थोड़ा सा गले में उतरने लग रहा है। पुणे पुलिस और अदालत में जो कुछ कहा जा रहा है वो सब ऐसे बरगलाने की कोशिश नहीं की जा रही। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, हम यहाँ न्यूज रूम में बैठ के कोई जज बन जाए। सर जांच होने के लिए क्या उससे पहले सिंपति की बात करना ठीक है? वो भी सवाल नहीं उठाता आपकी मंशा पर। इस बात का भी जवाब दूंगा, नक्सलवादियों माओवादियों के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। मैंने अपने बौद्धिक करियर की शुरुआत ही उनके ऊपर रिसर्च करके और किताब लिख के की है 1990 में। आज जहां भी नक्सलवादी या माओवादी होंगे उस खबर को सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कितनी हास्यास्पद है, वो लोग इस तरीके से कोई गतिविधि नहीं करते, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। दूसरी बात, ये जो बात आनंद ने कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। एबीपी न्यूज पर लगातार हम कर रहे हैं आज की बड़ी बहस, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की खबर पर भी सियासत होगी, सियासत जरूरी है या जांच होनी चाहिए इसकी। लगातार खास मेहमान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। भाटी साहब, देखिए अरुण जेटली कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल NDA का विरोध करने में इतने अंधे हो गए हैं कि माओवादियों को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से उन्हें परहेज नहीं है, क्या ये हो रहा है? देखिए माओवाद नक्सलवाद इन शब्दों का अर्थ राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक हत्या करने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, गंभीरता से कम किया जा रहा है। पहली बात तो ये, अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है, कोई साजिश ऐसी की जा रही है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस हास्यास्पद तरीके से इसे पेश किया जा रहा है, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ और दुबे जी मेरी बात से सहमत होंगे कि आज नक्सलवाद की स्थिति नहीं है भारतवर्ष में, इतना कमज़ोर हो चुका है नक्सलवाद कि वो प्रधानमंत्री की हत्या कर सके। और नक्सलवादियों की परंपरा भी नहीं रही, वो अपने क्षेत्र में केवल हमले करते हैं, बाहर जाकर उन्होंने हमले किए हों ये कभी सुना नहीं गया। दूसरी बात, जिस तरह की एक जो चिट्ठी का कंटेंट है वो ही अपने आप में हास्य पैदा करते हैं। हम पहले क्लीन चिट सब नहीं दे रहे, मतलब हम खुद ही जज ज्यूरी सब कुछ फैसला खुद ही सुना दे रहे हैं, मतलब फिर क्या जरूरत है किसी और चीज की? देखिए नेहा जी, दूसरी बात देखिए, जो चीजें शीशे की तरह साफ दिख रही है वो कहनी पड़ेंगी। इस हम लोगों को आलोचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए, सरकार ने जो कहा है, सरकारी एजेंसी ने, हम आंख बंद करके उनकी बात पे क्यों यकीन कर लें? प्रोफेसर कपिल कुमार, आंख बंद करके सरकार की बात क्यों मानी जाए? संजय निरुपम तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जब जब घटती है इस तरह की बात होती है। देखिए ऐसा है, मुझे सिर्फ अपने देशवासियों पर एक बात पे रोना आता है कि यही चीज आज अगर चीन में हुई होती, रूस में हुई होती, जापान में हुई होती, अमेरिका में हुई होती, तो देश एक सुर पे खड़ा हुआ होता और सिर्फ एक डिमांड होती कि जो भी एजेंसीज कह रही हैं हमें उसकी वो करनी चाहिए, ना कि अपनी रोटी सेकनी शुरू करनी चाहिए। मुझे एक मिनट सुनिए मेरी बात को। गोविंद पंचरे की हत्या पे, डाबोलकर की हत्या पे इसी पुणे पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर भी नहीं की याचिका, जब वो सनातन संस्था जिसको RSS सपोर्ट करती थी वो छूट गया, इसलिए इनकी मंशा पे चक है। इसलिए इनकी मंशा ऐसा है कि इन ये जो बात कर रहे हैं, अरे आप एक एक करके सर आराम से सर प्रोफेसर साहब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आराम से मुझे आगे जाना पड़ेगा। देखिए आप लोगों के पास माइक नहीं है और आप दोनों प्रोफेसर हैं, आराम से बात कीजिए, आप लोगों को राजनीति के छात्र भी देखते हैं, आराम से सर।
प्रोफेसर साहब आराम से सर प्लीज सर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, माइक नहीं है आप लोगों के पास, एक मिनट मैं आगे आ जाती हूँ। हाँ जल्दी से मुझे ये बताइए, नहीं नहीं ये जो आप कह रहे हैं जांच एजेंसियां डिस्कस करेंगी ये करेंगी या हम ही निष्कर्ष दे देंगे, मैं अभय दुबे साहब की बात लेकर आना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि हम सरकार की बात पर सीधे भरोसा क्यों कर ले। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2013 में गिरिराज सिंह जी ने भी एक ऐसा आरोप लगाया था, उन्होंने लिखा था, ट्वीट किया था बकायदा 31 अक्टूबर 2013 को, मेरा आरोप है कि नीतीश कुमार ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश तो नहीं की है, इसका जवाब चाहिए। तो इस तरीके के ये पहले भी हुआ है कि मोदी, देखिए देखिए राजनीतिक आरोप लगाना, नहीं राजनीतिक आरोप लगाना अलग बात है और सुरक्षा एजेंसी द्वारा डिस्क्लोजर करना दूसरी बात है। दूसरी बात ये, जो जितने भी कम्युनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब कह रहे हैं कि हमें पता है उनका मॉड्यूल, आखिरकार इनको पता है वो मॉड्यूल कौन सा है, तो इनको इनको अभी एबीपी न्यूज के माध्यम से उनको अच्छा राजनीतिक आरोप और पुणे पुलिस और अदालत में जो कहा गया सब जोड़ा जा सकता है, मतलब जोड़ सकते हैं हम? नहीं नहीं इसमें सबसे बड़ी बात एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये हम क्यों माने कि जो सरकार बात बोल रही है तो इसका मतलब सारी अदालतें बंद कर दी जाएं, सारी एजेंसीज बंद कर दी जाएं, जो सरकार बोल रही है उसको सब लोग मान लें आंखें बंद करके। भाई सरकार बोल रही है, लोग सवाल तो उठाएंगे उस पर, इसकी जांच होनी चाहिए, ये कौन यही बताइए क्यों ना जाँच हो, लोग सवाल क्यों ना उठाएं उसको, वो कह रहे हैं कि आप सियासत क्यों मान रहे हैं। इसमें एक बात सच है कि नक्सलवाद हिंसा में विश्वास करता है, हत्याएं करता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं की उसमें हत्या हुई थी, उसमें हुई थी। एक बार मैं देवाशीष को बता दूं कि जिसकी बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की रैली में बम भी फटे, एक बात, और मैं थोड़ा सा इतिहास और याद दिला दूं, मायावती ने तो समाजवादियों को जो कहा था ना कि मेरी जान ले ही ली थी, अगर बीजेपी के लोग ना होते तो समाजवादी गुंडों ने मेरी जान ले ली थी, आपको याद है वो? तो जरा वो भी पढ़ के सुना दीजिए ना, जनता वो भी सुनने का हक रखती है। देखिए नेहा जी एक एक करके एक बार सुनिए प्लीज, ये इनको सुनेंगे तभी तो अपनी बात कहेंगे एक एक करके। हाँ आलोक जी, बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने दो अपने देश के प्रधानमंत्री खोए हैं तमाम नक्सलाइट अटैक्स में, और तो और भी गंभीर होना चाहिए। संजय निरुपम ये क्यों कह रहे हैं कि सहानुभूति के लिए या पब्लिसिटी ड्रॉप होती है सर, ये तो बहुत ही दोयम दर्जे का रिमार्क हो गया ना, आप सवाल उठाइए पर इस तरह की बात। नेहा जी मैं उसका कारण बता रहा हूं, 11 बार इस तरह की घटनाएं हुई, मैं तारीखें बता रहा हूं कब कब इस तरह की न्यूज आई, लेकिन अभी तक जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये जो 11 बार न्यूज आई है मोदी साहब के लिए के साहब इनकी जान को खतरा है और वहां प्लांट हुआ है, इस 11 में से एक भी इंक्वायरी अभी इस समय नहीं चल रही। बताइए वो कह रहे हैं 11 में से एक में भी इंक्वायरी नहीं हो रही है, इस बार क्यों उसको सीरियसली लिया जाए? हम लोगों को पता नहीं होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कितने ऐसे मॉड्यूल्स को नष्ट करती है, जब घटना नहीं नहीं एक मिनट घटना हो जाती है तब पता। दूसरी बात अभय जी ने जो कही सवाल उठाने की, देखिए 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 सरकार से सवाल जरूर उठना चाहिए लेकिन सरकार की मंशा पर शक नहीं करना चाहिए। सरकार से सवाल करें मंशा पर शक ना करें। आ रही प्रोफेसर साहब आ रहे। प्रदीप जी की बात सही है, इसी तरीके से काम होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को चुपचाप बिना किसी को खबर दिए इतनी संगीन घटनाओं की जांच करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कि एक चिट्ठी टीवी स्क्रीन पर चल रही है और सब लोग चिट्ठी टीवी स्क्रीन पर चल रही है इससे समस्या है। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा, पहली बात तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जब इंक्वायरी करती हैं और अगर वो चीज़ कुछ डाइवल्ज करती हैं तो उसके पीछे कुछ मंशा होती है और वो डाइवल्ज भी तब करती हैं जब उनका इन्वेस्टिगेशन एक स्टेज तक पहुंच चुका होता है। एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं आज की गर्मा गर्म बहस। एबीपी न्यूज पर सवाल हम ये उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की खबर पर सियासत क्यों हो रही है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं रिफत जावेद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे प्रकरण में एक सवाल ये उठ रहा है कि जो चिट्ठी के कॉन्टेंट्स हैं उसमें जिस तरह से बोला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ताकत का वर्चस्व बढ़ रहा है, हमारी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है, रोड शो में टारगेट करना ठीक होगा, ये तमाम बातें क्या रोंगटे नहीं खड़ी करती हैं? क्या इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से इसको लीक किया गया है वो बात गले नहीं उतरती है। देखिए अगर 11 मरतबा आज से 8 साल में 11 मरतबा अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इसी तरह की धमकियां आ रही हैं तो हमें ये बताएं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कर रहा है, मतलब ये वाजिब सवाल है, बताइए मुझे, बताइए जो बात उन्होंने कही उसका जवाब। एक बात बताइए, नहीं ये सारे जो सम्मानित बुद्धिजीवी बोल रहे हैं लीक किया, ये लीक थोड़ी किया गया है, ये सामने लीक क्या होता है, लीक तो चुपचाप लीक हो जाता है, ये तो सामने दिया है और सुनिए ट्रांसपेरेंसी भी होती है, अगर ये लेटर सामने नहीं लेते तो कैसे पता चलता है उसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये ट्रांसपेरेंसी है कि कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी है। और जांच एजेंसियों ने एक हद तक जांच पहुंचाई होगी जैसे प्रोफेसर कपिल कुमार ने कहा, उसके बाद उन्हें ठीक लगा, कुछ चीजें बाहर आई, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा होगा। हम क्यों फैसला सुना रहे हैं प्रोफेसर साहब? 3 दिन पहले जब गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ भीमा कोरेगांव की वायलेंस के इंसाइट का चार्ज था। जब वो कोर्ट जाते हैं रिमांड लेने के लिए तब कहते हैं कि साहब राजीव गांधी जैसी हत्या का प्लान था क्योंकि उन्हें रिमांड चाहिए था। प्रश्न ये उठता है कि लीक किया रखा या कोर्ट में रखा। ऐसे ही लीक इन्होंने, सुनिए यह बात तो सुन लो ना, ध्रुव सक्सेना बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा विंग का पकड़ा गया बीजेपी का, आज तक एएनए ने कुछ नहीं बताया। आसाम में आईएसआईएस का झंडा जिसने पेड़ पे लगाया था वो बीजेपी आरएसएस का वर्कर निकला, पुलिस ने अरेस्ट किया, एनआईए वहां नहीं पहुंची, एनआईए पहुंचेगी केरला बंगाल त्रिपुरा वहां पहुंचेगी। इसलिए इनकी मंशाओं पे शक होता है, मंशा पर शक होता है। बहुत संक्षेप में जल्दी से, मंशा पर शक होता है। मुझे सबसे हैरत अंगेज जो तर्क लगा कि 11 बार इन पर हो चुका, अब तक मरे नहीं है, अब तक हत्या नहीं हुई, यही तो कहा उन्होंने कि 11 तक हुआ, अब तक कोई साबित नहीं हुआ, यही कहा इन्होंने कि 11। ये गलत है, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और धावले जी के बारे में बताता हूँ, क्या कहा रिफत ने कि 11 बार हो चुका है, अब तक कुछ पकड़ा नहीं। हाँ, ये बहुत गलत बात है। अगर इस तरह के अगर आप डिबेट यहाँ पे करवाइएगा, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ये कहा है 11 मरतबा अगर उन पे इल्जाम लगे हैं तो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों जॉब पे है? सवाल ये वो ये पूछ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? उन्हीं की वजह से तो नहीं मार पाए। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की हमारी बड़ी बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा, एक खबर सामने आती है, सवाल ये इसकी उच्च स्तरीय जांच हो या फिर इस पर हो सियासत। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर साहब। इस पूरे मामले में अब तक जो चर्चा हुई है, जो सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह लेटर सार्वजनिक हुआ या जिस तरह उसकी डिटेल्स बाहर आई, इसे सीरियसली लेने का आपने मौका ही नहीं छोड़ा, उसमें आप दम क्यों नहीं देख रहे? देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी 1 मिनट में 3 ऐतिहासिक बातें कहूंगा। इस देश में 3 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है। देखिए 1 मिनट, ठीक है, उनके पास माइक नहीं है सर, उनके पास माइक नहीं है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, इन्हें बोलने दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, उनके ड्राइवर, उनके डॉक्टर की हत्या हुई, उनके अटेंडेंट की हत्या हुई, आज तक वो रहस्य सामने नहीं आया। दूसरी हत्या इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की हुई, उस हत्या के अंदर जो हत्या के 2 प्राइम गवाह थे, धवन जो उनके ठीक 5 फीट पीछे चल रहे थे और वो बीबीसी का प्रोड्यूसर जो उनकी फिल्म बनाने आया था, इस लोकतंत्र ने उनको गवाह तक के तौर पे कोर्ट में नहीं खड़ा किया क्योंकि असलियत बाहर ना आए, क्योंकि उसमें भी कॉन्स्पिरेसी बाहर नहीं आई, कह दिया इन 2 सरदारों ने मारा था, उसके पीछे जो षड्यंत्र था बाहर नहीं आया। तीसरी हत्या हुई राजीव गांधी की। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वन आइड जैक को घेर लिया गया उसके साथियों के साथ, तो लीक आउट कराया गया कि तुम घिर रहे हो, जिससे कि वो सुसाइड कमिट कर ले, जिससे कि असलियत षड्यंत्र की बाहर ना आए। पहली चीज, बात को ध्यान रखें। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि ये वो लोग चिल्ला रहे हैं आज जिनके दिग्विजय सिंह जी रिकॉर्ड पे हैं, ये कहते हुए कि बंबई का जो मुंबई के रॉयट्स और सब किलिंग हुई है वो हिंदुस्तानियों ने कराई थी, ORSS ने और जनसंघ ने करवाई थी, कसब के उसके ऊपर, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इसलिए मैं इन लोगों की जो बौखलाहट है सत्ता से बाहर होने के बाद की, इसी पर लेती हूँ मैं, बौखलाहट है सत्ता से बाहर होने की वो कह रहे हैं, और कुछ उदाहरण भी गिना रहे हैं जिससे कि सवाल उठता है कि ऐसे मौकों पर आप लोग सवाल उठाते ही हैं राजनीति करने के लिए, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर। नेहा जी, आपने सवाल पूछा था चिट्ठी लीक क्यों हो गई, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब तो सीधे आरोप लगा दिए ना, आप उसका जवाब दे दीजिए। कभी उत्तर देता हूँ, आप 4 साल से यहाँ पर सरकार में हैं, पहले भी 6 साल रहे, अगर कोई हत्या हुई और उसका खुलासा नहीं हुआ तो आप लोग क्या पकौड़े तल रहे थे? राम जेठमलानी किसके लॉ मिनिस्टर रहे थे जो वहां पर इंदिरा गांधी के हत्यारों के वकील थे? मुद्दे की बात ये आज ये है कि आज चिट्ठी लीक हुई, इतना सेंसिटिव मैटर आपका हुआ, वो पूरी तरह से बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास पहुंची और वहां से उसका राजनीतिकरण शुरू हुआ, इसलिए सवाल है। 11 बार मोदी जी के पास इस तरह की थ्रेट आई, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास तारीख भी है, उसके बाद मुझे बताइए 11 में से क्या एक भी जांच चल रही है? एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की बड़ी बहस। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पर सियासत क्यों? लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क आप सुन रहे हैं, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सवालों के बीच कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि खुद ही इस पर इतनी सियासत चरम सीमा पर क्यों पहुंच गई है, क्या आवाजें सुनी गई? देखिए, जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए,
इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है और ऐसी कई चीज़ें इसमें सामने आई है। पुलिस ये सारी चीज़ों को जब्त कर चुकी है, ये चीज़ें न्यायालय के सामने भी जाएगी, सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके और लिंक्स है, उन लिंक्स को भी ढूंढने का काम चल रहा है। अगर पुलिस दलितों को नक्सल घोषित करेगी और नक्सलों का ये काम है कहेगी, तो हमें लगता है ये बहुत घातक काम महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि गढ़ी हुई कहानी पे महाराष्ट्र की पुलिस खेल रही है, और मनगढ़ंत कहानी पे अगर पुलिस खेलेगी तो हमें लगता है ये न महाराष्ट्र के लिए ठीक है न देश के लिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ और साथी इतने गंभीर और इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हमारे जब सुरक्षा बल थे और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का सफाया किया था, खात्मा किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो इसलिए इनकी इस तरह की चीज़ें कोई नई नहीं है। के दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ कोरेगांव में और दलित नाराज हैं और पूरे देश में नाराजगी है दलितों के प्रति, तो दलितों के मन में भाजपा शासन और प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके फडणवीस साहब और लोग हैं, तो कहीं ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन तो ये बात नहीं कर गई है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देवाशीष जरारिया साहब, ये बताइए दलितों के अत्याचार के साथ जोड़कर इसको क्यों देखा जा रहा है, ये दलितों पर अत्याचार वाला मुद्दा कहां से आ गया इसमें? देखिए, इस पूरे मामले को भीमा कोरेगांव से जोड़ा गया है, पूरा मामला भीमा कोरेगांव से जुड़ा हुआ है। और संभाजी भिड़े और एक बोटे, संभाजी भिड़े वो व्यक्ति है जिनकी याचिका जो है जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बोटे को गिरफ्तार किया गया और वो बेल पे है इस समय, तो इन लोगों को बराबर बचाया गया है पूरे मामले में। और जिस धावले जी की बात कर रहे हैं, उनको 2011 में इसी सेम के नक्सलियों से इनका संबंध है 40 महीने जेल में रखा गया था, और उसके बाद उन पर कोई मामला। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की खबर को दलितों पर अत्याचार से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या ये दो खबरें अलग अलग नहीं है या राजनीतिक फायदे के लिए सब जोड़ा जाएगा? नहीं नहीं, देखिए इस देश में दलितों को नक्सली बताने की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, कांग्रेस टाइम से चली आ रही है, दलितों को नक्सली बताने की प्रथा। नहीं नहीं, नेहाजी देखिए किसी क्रिमिनल को दलित बताना ये बहुत ही घृणित बात है। मैं समझता हूं दलितों का जो सम्मान है इस देश के अंदर, दलितों का जो काम है इस देश के अंदर, ये अनुकरणीय उदाहरण है। और ये दलितों का सहारनपुर में यही हुआ था, जब सहारनपुर का कांड हुआ तो पुलिस ने आके बयान दे दिया कि ये लोग नक्सली हैं। इन नक्सलियों को दलित बता करके आप उन दलितों का अपमान नहीं कर रहे आप? कमाल की दलित एंगल कहां से आ गया? देखिए, ये एक पूरा पैटर्न है जो कि SC ST, एक मिनट देवशी, जो SC ST एक्ट के विरोध में, संशोधन के विरोध में पूरे देश में दलितों ने जो आक्रामक प्रदर्शन किया था, उसके बाद से देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे तमाम राज्यों में उन तमाम एक्टिविस्टों जो अंबेडकरवादी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त रूप से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। बात करने दीजिए, शिष्टता बरत दीजिए, ऐसी बात। आपका नंबर आया बोलिए उनके। देखिए, वो किया गया, ये जो है ये एक पूरा पैटर्न है कि क्योंकि भाजपा की दलितों में जो पैठ है वो अंबेडकरवादी ही रोके हुए हैं। अगर अंबेडकरवादियों को कोने में धकेल दिया जाएगा तो वो उसके लिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री की साजिश की बात भी सामने आ सकती है, उनके खिलाफ साजिश की बात भी सामने आ सकती है, पीएम के खिलाफ साजिश, इतना यहां तक जाया जा सकता है? नहीं, अभी बात जो विषय, देखिए जो दुबे साहब ने बात कही गई, देखिए 2 अप्रैल को जो दंगा हुआ, एक टीवी चैनल ने दिखाया 20,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई, एक पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया। देखिए, जो जब किसी ने क्राइम किया तो उस समय उसकी जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, और वो इसलिए नहीं किया कि दलित था, उसने क्राइम किया, अपराध किया, अपराधियों के साथ मत खड़े होइए। लेकिन अभी जो विषय है ये लेटर, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको ये नया, और ये लेटर लीक क्या होता है, ये एक कॉन्स्पिरेसी पुलिस ने स्पष्ट करी है, उसको पकड़ा गया है। अगर एक कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ किया गया तो उसमें लीक क्या, और फिर उसे दलितों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? दोनों मामले अलग है ना। मैं बता रहा हूँ जो दुबे जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। जहां जहां दलित आंदोलन उठता है रूलिंग पावर उनको दबाने के लिए पुलिस का रिप्रेशन यूज करती है, और एक वोटर भिड़े को तो आपने छोड़ दिया, 23-23 केस बने हुए हैं उस पर, 23-23 केस। घटना बताइए कौन से, आप घटना बताइए, नहीं आप घटना बताइए, कह रहे सारे देश में हुआ, एक दो घटनाओं को। भीमा कोरेगांव में 18 साल का बता के जेल में रखा हुआ है, उस लड़की की हत्या हो गई जो बयान देती है भीड़ के खिलाफ। रिफत जावेद साहब, प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की जो बात सामने आई है उसका इन तमाम मुद्दों से क्या लेना देना, यही तो सियासत है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं हम इसको, देश के प्रधानमंत्री है ना वो, हमारे लाख मतभेद हो पर जब प्रधानमंत्री का पद है तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री हुए, ये तो हमें मानना पड़ेगा।
देखिए दो चीज़ें हैं, अगर प्रधानमंत्री के जान को ख़तरा है तो उसको हम टीवी पे डिस्कस नहीं करते हैं और उसके लेटर को हम लीक करके उस पर बहस नहीं करवाते हैं, हम इंटेलिजेंस वो करता है। नंबर दो, यहाँ पे कुछ साथियों ने ये कहा कि अमेरिका में प्रेसिडेंट पे होता है, यूके में होता है, यकीन मानिए कि यही लेटर अगर सामने आया होता है यूके में तो आज मीडिया पूरे दिन हमसे ज़्यादा डिस्कस कर रही होती और सवालों के कटघरे में वहाँ पर रख रही होती। मीडिया करे ना करे, क्या करे, करे बिल्कुल करे। हम ये अगर हम ये कर रहे हैं तो हम ये भी सवाल उठाएंगे कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम होना चाहिए था उनको सिक्योर करने का, वो यहां पे 11 मरतबा पिछले 6 साल में आप लेटर ले बार बार आप लीक कर, उसमें एक बंदा आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपने आपकी इंक्वायरी की अपडेट क्या है पिछले 11 मरतबा जो आपने किया? एक मिनट, ये जानने का हक नहीं है प्रोफेसर साहब, ठीक है, एक एक करके ना। एक मिनट सुनिए, देखिए ऐसा है कि मेरे को तब ताज्जुब होता है जब लोगों को जो लीगल प्रक्रिया होती है वो मालूम नहीं होती और लोग बयान देते हैं। जब इनको अरेस्ट किया गया और इनसे जो भी सामग्री या जो चीज़ें मिली हैं, मेरा ये मानना है कि एजेंसीज पे बहुत कुछ होगा, लेकिन कोर्ट से इनकी रिमांड लेने के लिए और आगे करने के लिए जब उन्हें कोर्ट के अंदर अपना केस बनाना है तो कुछ डॉक्यूमेंट वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। सर ये कहा जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार के इशू को डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। दलित की बात सुन लीजिए, आज तक CPM ने सारे दलितों को बंगाल के अंदर दबाया, केरला के अंदर दबाया, सारे दलित मूवमेंट्स को। अरे वो क्या हुआ था आपका, जहां वो कांड हुआ था जो किसानों की जमीनें छीन के आपने पूंजीपति को दे दी थी, पूरा का पूरा कांड आपके सामने है, उस जगह का नाम ही नहीं लड़ा। जितनी कम्युनिस्टों ने दलितों की लड़ाई लड़ी है कोई नहीं लड़ा, हम पीड़े और एक बेटे। आप किसको बता रहे हैं? आप भूल गए जहां दलितों किसानों की जमीनें छीन के आपने इंडस्ट्री बनाने को दे दी थी और किसानों को गोलियां मरवाई। आप समाजवादियों को बताते हो? प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए, ये प्रधानमंत्री की बात ये कहां से आ गई? ये दलित क्यों जुड़ रहे हैं? नहीं मैं इसमें सियासत होगी ना, ये क्यों हो रहा है भाई? ये खबरें दो अलग अलग नहीं है क्या? ये पहले उससे पहले अभय जी ने जो बात कही, एक तथ्यात्मक सुधार अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। नहीं आपने कहा संशोधन हुआ नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा, वो समझने में थोड़ी गलती हो गई। जो जिस विवाद पैदा हुआ था उस पर दलितों ने प्रदर्शन किया था, मैंने उसका जिक्र किया था। अब देखिए एक छोटी सी बात, एक मिनट वो बात पूरी करने फिर आती हूँ। हाँ पॉइंट क्या है इसमें, मेरा सीधा सवाल है इसमें दलित सियासत को क्यों लाया जा रहा है? वो पहले ही सवाल मैंने उठाया कि इसको इसका राजनीतिकरण करने के लिए दलितों का मुद्दा लाया जा रहा है। ये मुद्दा राजनीतिक इसलिए बन रहा है कि एक वर्ग है जिसको नरेंद्र मोदी से पैथोलॉजिकल हेट्रेड। कौन सा वर्ग है सर, कौन सा वर्ग है जो इसको बता रहे हैं कि ये नाटक है? नरेंद्र मोदी से नफरत है इसीलिए उन पर कोई जान का खतरा उसको इसी तरह डाइल्यूट करेंगे, ये भी एक आरोप लग रहा है। मैं आरोप कह रही हूँ इसको, ये तथ्य नहीं है, आरोप। हम चाहते हैं जो भी प्रकरण हुआ है उसकी जांच हो, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, जरा बीजेपी के लोग बताएं, केंद्र सरकार बताए कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी? पिछले 11 बार इस तरह दोनों बात, एक बार लेटर आता है सामने तो आप कहते हैं लेटर कैसे आ गया, अब अगर जांच की डिटेल्स आएंगी तो कहेंगे ये क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं, मतलब ये विरोधाभास नहीं है? ये नहीं कह रहा कि जांच की डिटेल्स आए, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर जिस तरह का खतरा है, महाराष्ट्र के DGP क्या पकौड़े तल रहे हैं, अभी तक एक भी बयान उनका क्यों नहीं आया है? NIA को ये मैटर क्यों नहीं दिया गया, किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को? ये कांग्रेस को पकड़ों से प्यार कैसे हो गया है? और ये बताओ ये दलितों का मसीहा कब से बन गया कम्युनिस्ट और कांग्रेस? ये इन्होंने हमेशा से अभी तक शोषण किया है, दलितों का शोषण किया है, उनको मारा पीटा है और उनका वोट बैंक को। आनंद पांडे जी देखिए नेहा, मुझे लगता है कि साजिश हो सकती है उसको कोई भी, जैसा भी प्रदीप जी बोल रहे हैं, नाटक कोई नहीं बता रहा है उसको, लेकिन एक बात बता रहे हैं ना सर, कह रहे हैं कि ये नाटक भी हो सकता है, लोकप्रियता गिर रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है, वो सब क्या है सर? इसमें नहीं नहीं सुनिए एक मिनट, एक क्यों हो रही है इस पर कि नाटक है, ये लोकप्रियता घटती है तो स्टंट करते हैं वो, यही तर्क दिया जा रहा है? और लोकप्रियता घटती है तो स्टंट करते हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा सकता है? इनको एहतियात और सुरक्षा की बजाय इनको प्रचार चाहिए, गन्ने से घबराए हुए जिन्ना का जिन इनका हार गया, प्रचार चाहिए, प्रचार चाहिए। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि अभी टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, कि तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि क्या कोई हत्या करने वाला लेटर लिखेगा? अगर हत्या करने वाला बहुत अकलमंद है तो क्या जांच एजेंसी है, ये में थोड़ी सी अकल नहीं है कि किस तरीके का लेटर लिखवाया जाए? उनके पास भी तो तर्क होते हैं ना, वो भी सोचेंगे कि ये लेटर ना लिखे, कोई और तर्क ले। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों मर रहा है? क्योंकि 3-3 मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर जेटली जैसे लोग ब्लॉग लिख रहे हैं इस लेटर पे, क्यों लिखना चाहिए? क्यों ना लिखें, क्यों ना लिखें? ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को होनी चाहिए।
आपको चिंता, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता किसी मंत्री को नहीं हो सकती क्या? उनका अधिकार नहीं है लेटर लिखना? अगर ये सुरक्षा का मामला है, हमारे प्रधानमंत्री को कोई हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट देंगे। परंतु ये गन्ने की हार से घबराए हुए नहीं, प्रचार चाहिए। ये नोटबंदी के फेलियर से घबराए हुए किसान आत्महत्याएं बढ़ी है उससे घबराए हुए, प्रचार चाहिए। देखिए नेहा, प्रचार के लिए ऐसी खबर सामने आएगी? बिल्कुल प्रचार नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रधानमंत्री भारत के हों, अमेरिका के हों, चीन के हों, ये सारे लोग 24 घंटे जो हैं इनके ऊपर हत्या का वो मंडराया रहता है और 24 घंटे इनकी सुरक्षा की बात होती है। दूसरी बात है कि ये समझ लीजिए, ये जो हास्यपद बात कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी में क्यों लिखेगा, आज ही मैं MI-15 के डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट सुन लीजिए साहब, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं एक मिनट सुन लीजिए, बात कीजिए, आपके पास माइक है, आप ही की आवाज जाए। मैं आज ही MI-15 के डॉक्यूमेंट्स देख के आया हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस देश से गए और जब काबुल पहुंच गए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता लग गया तो लंदन से ऑर्डर इशू हुए वायर के थ्रू, जिनकी कॉपीज मौजूद है, कि सुभाष चंद्र बोस को मरवा दिया जाए। तो ये कहना कि कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा, बताइए उनकी बात बताइए, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी पागल हैं या बेवकूफ हैं कि सेम मॉड्यूल को दोबारा अप्लाई करेगा कोई और उन्होंने उसको कवर अप नहीं कर रखा? आनंद जी बोलिए। देखिए मुझे बार बार सेम मॉड्यूल के लेते हैं। आराम से सुनिए, केरला में RSS के वर्कर्स का कत्ल करने के लिए ये लोग बार बार वही मॉड्यूल क्यों लेते हैं? ठीक है, एक मिनट, थोड़ी शांति प्रोफेसर साहब, थोड़ी शांति, ताकि मैं आप सब लोगों के पास आ सकूं। एक मिनट। सर माइक नहीं है उनके पास, उनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। आनंद जी को सुनते, आनंद जी बहुत वक्त से आप सबको सुन रहे हैं, उनको सुनते जी। आनंद जी, या तो हम इसमें बीजेपी और RSS वालों से बात कर रहे हैं, या लेफ्ट वालों से बात कर रहे हैं, या कांग्रेस से बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये दो राजनीतिक विचारधारा है जो अपने अपने ढंग। सर देश का नागरिक क्या सोच रहा है? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप ये समझिए कि जितना सेंसिटिव मुद्दा है, जितना संवेदनशील मुद्दा है, उतने ही लापरवाही के ढंग से इसको सरकार ने और बीजेपी ने डील किया है, इस वजह से सारी बातें हो रही हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसमें मेरिट है प्रदीप जी कि ये लापरवाही से डील किया हुआ मुद्दा है, ये गंभीर हो सकता है अपने आप में मामला, और सुरक्षा एजेंसी वैसे ही देखेंगी इसको, लेकिन बहुत हल्के तरह से नहीं। ये आनंद जो बात कह रहे हैं, देखिए आनंद पांडे जो बात कह रहे हैं वो सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये है जो एजेंसीज पर सवाल उठाया जा रहा है, आज ये चिट्ठी बाहर आई है तो उन्हीं की वजह से वो काम ठीक है। राहुल गांधी भी क्या, अभी कर्नाटक इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी के विमान में कोई गड़बड़ी आई, टेक्निकल आई, तो सीधे कह दिया गया RSS और बीजेपी ने इनकी हत्या की साजिश रची है, ये कह दिया गया पूरे उसमें। सर तो मतलब विपक्ष को धमकी, देश को खतरा, लेकिन प्रधानमंत्री के जान पर कोई खतरा? वो प्रोपेगेंडा है, वो पब्लिसिटी पाने का स्टंट है, बार-बार उसमें दलितों के मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है। नेहा जी, जो जांच चल रही थी वो दलित मुद्दे पर जांच चल रही थी, आज का जो मुद्दा है, अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो जांच एजेंसी कौन सी जांच कर रही है अभी तक क्लियर नहीं है। 4 दिन हो गए, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, अभी तक DGP महाराष्ट्र की नहीं आएगा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी कोई नहीं आएगा। आप वहां पर ब्लॉग लिखेंगे, आप वहां पर चिट्ठियों को लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन सरकार कोई अपना बयान, यही तो आपका षड्यंत्र है कि वो सामने आए क्या आ रहा है, नहीं आएगा। जांच एजेंसी अपनी तरीके से जांच करेंगी, आपकी डिमांड पर नहीं करेंगी। समझता हूं कि जांच एजेंसियां आज पूरी तरह से कटघरे में खड़ी हैं, जांच एजेंसियों ने इस मुद्दे का माखौल उड़ा दिया, नैरेटिव यही बनाया जा रहा है कि किस तरह मालूम चले क्या जांच चल रही है। भाटी साहब एक मिनट, भाटी साहब से बहुत देर से बात हुई जी जी। पूरी डिबेट में हमारे बीजेपी और RSS के मित्रों का तर्क ये रहा है कि कोई प्रश्न मत उठाओ, जैसे सुरक्षा एजेंसियां कहें आंख मूंद के विश्वास कर लो। इन्हीं सुरक्षा एजेंसियों ने जब साध्वी प्रज्ञा को और कर्नल पुरोहित को और सीमानंद को गिरफ्तार किया था, तब यही बीजेपी और RSS वाले सुरक्षा एजेंसियों को गैर जिम्मेदार बताते थे। आज इनकी नहीं, एक दो बातें, पहली बात मैं आपको एक जानकारी संक्षेप में रखिएगा आप अपनी बात प्लीज। हाँ, ये लेटर का जो कह रहे हैं प्लांट किया गया है, मतलब तो फोरेंसिक जांच के अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रिंट कब किया गया है। एक मिनट, होशियारी मत दिखाइए, फोरेंसिक जांच में ये पता चल जाता है कि ये लेटर प्रिंट कब किया गया है, इवन वो पेज कितना पुराना छपा हुआ, जो पेज छपा है वो कितना पुराना है, इनके हिसाब से बता दीजिए ना, उसका पता चल जाएगा कि वो उसके पास 6 महीने से पड़ा है, 8 महीने से, या अभी लेटर छपा है, ये सब झूठे साबित हो जाएंगे। एक साल से वो लेटर पूना पुलिस के पास है, उनको वो उन्होंने अरेस्ट किया था भीमा कोरेगांव की वायलेंस में, उन्होंने रिमांड के वक्त मांगा है कि हमें ये चाहिए, इसी से मंशाओं पे शक होता है, एक बोटे और भिड़े को गिरफ्तार करो पहले, मंशा पर शक। ये एक इतना बचकाना तर्क दिया जा रहा है कि साहब इंक्वायरी दलित क्यों हो रही थी, ये चीज कहां से आ गई? पुलिस अगर इंक्वायरी करती है और मान लीजिए कि एक जगह एक कातिल पकड़ा जाता है,
ठीक है, एक कत्ल की इंक्वायरी हो रही है और उसमें ये निकल के आता कि इस कातिल ने चार और कत्ल भी किए थे और दो जगह डकैती भी डाली थी है, तो वो चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। ये निहायत इनकी दिमाग की, इनकी मानसिकता और इनकी कॉमन सेंस ना होना। अबे दुबे साहब, हम देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पे देख नहीं रहे हैं क्या? क्या हम पार्टी लाइन में बांटकर विचारों के मतभेद के आधार पर खबर को तोल रहे हैं? ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, विचारों में मतभेद के बावजूद सबको चिंता है। कोई नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री को जरा भी आँच आए, जरा भी आँच आए तो पूरे देश और समाज और राजनीति को बहुत भारी नुकसान होगा, वो सवाल नहीं है। मुझे तो इस बात को लेकर बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि भाजपा के हमारे मित्र और समर्थक जो हैं वो अचानक जाँच एजेंसियों में और सरकार में इतनी अगाध आस्था का प्रदर्शन कैसे करने लगे। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, देखिए अनंत काल तक भाजपा की सरकार नहीं बनी रहेगी, जब कभी कांग्रेस की सरकार आएगी और जब गैर भाजपा सरकार आएगी और वो जब इन लोगों के खिलाफ इस तरह के इस्तेमाल करेगी तब ये लोग क्या करेंगे, सोचिए ना सर। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात तो अब भी रह गई। नहीं, छोटा सा पॉइंट, हमारे एक साथी ने ये कहा कि जांच खत्म हो जाएगी, इंतजार तो कीजिए, तो फिर लेटर पहले बाहर रखने की क्या जरूरत थी? वेट कर दिया। लेटर पर सवाल, मुझे ये बताइए यहाँ सियासत बहुत हो रही है या ये सवाल उठने वाजिब है, लोकतंत्र है ये? ये जितने लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत चिंता है उनको संजय निरूपम को कहना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं ये नाटक है। संजय निरूपम ने कहा ना कि नाटक है, ये नौटंकी है, स्टंट है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।